हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका हर्षा स्वागत करती है अपने भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। तो चलिए, आज फिर से मैं कमेंट्स लेके आ गई हूँ, और कल के वीडियो के आधार पर देखते हैं किसने क्या कमेंट्स किया है अंकित के बारे में। मैं तो लाइफ में पहली बार फ्रेंड्स ऐसे किडनैपर को देख रही हूँ जो खुलेआम धमकी देते जा रहा है कि हाँ, मैंने तेरी बेटी को किडनैप किया है, अपने पास रखा है, और तभी तेरी बेटी को दूंगा जब मेरी बहन के नाम में पूरा सबूत मुझे मिलेगा कि तुम मेरी बेटी को फिर से नहीं जेल में भेजोगे। क्या पागलपन है! आपको नहीं लगता ये इतना पागलपन हो रहा है? मुझे तो लगता है हम लोग इतने शक्ल से बेवकूफ़ लगते हैं कि हम लोग को जो दिखाया जा रहा है हम देखते जाएंगे। एनीवेज, मैं अपना कमेंट्स शुरू कर रही हूँ बोलना, तो एक एक करके मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने ब्रजेश भैया जी का मैं कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। नमस्ते भैया जी, आपका कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। हाँ दीदी, समर को तो मैंने भी देखा है ब्लॉक में। अब पता नहीं ये सच है या ड्रामा है, यही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भैया। मुझे तो ड्रामा ही लग रहा है। और कमाना है तो अच्छा ब्लॉग बनाकर कमाए, ड्रामा क्यों दिखा रहे हो लोगों को? सही बात, एकदम सही बात। अच्छा चीज़ दिखाओ भाई, ये सब बेमतलब की चीज़ें देख के हमारा दिमाग सटक जा रहा है, और सटक इतना जा रहा है कि कभी कभी तो सरदर्द पकड़ ले रहा है, और कभी कभी तो लग रहा है कि क्या करें, अपना नाम भी भूल जा रहा है। एनीवेज, थैंक यू भैया जी, ब्रजेश जी मुझे मैसेज किए, थैंक यू सो मच, अपना इतना प्रेशियस समय निकाल के मुझे मैसेज किए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी यूज़र DM8NS4JT6S का। इन्होंने लिखा, मैडम जी ये फेक वीडियो है। हाँ हाँ, ठीक ही बोल रहे हैं आप। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी ताशी सांगमो जी का, जिन्होंने मुझे प्यारा सा हार्ट्स भेजा है। थैंक यू सो मच ताशी जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी राज बाला चौधरी जी का। नमस्ते, आपने लिखा है ये एक ड्रामा है, फेक कहानी है, टाइम पास। यही टाइम पास हम भी कर रहे हैं राज बाला जी, हम भी यही टाइम पास के लिए ये सब वीडियोज़ देख रहे हैं। एनीवेज, फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी का। नमस्ते शशि जी, आपने लिखा है बहन जी बिल्कुल सही कह रही हैं, राधिका के पापा को पुलिस में जाना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, उनकी बेटी मिलेगी अगर उसके संग कुछ विषय नहीं होती है तो इसके ज़िम्मेदार अंकित हैं। अंकित तो ज़िम्मेदार होगा ही, मगर पता नहीं राधिका के पापा क्यों नहीं पुलिस में जा रहे हैं। उसके पापा को पुलिस में जाना चाहिए और पुलिस में जाके बोलना चाहिए। और ये तो वीडियोस जो हम देख रहे हैं वही वीडियोस तो पुलिस को दिखा सकते हैं। मैं तो कल भी यही बात बोली भाई, जो हमारे लिए वीडियोस बनती है वही वीडियोस तो पुलिस को दिखाओ। थैंक यू शशि जी, आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं नाम लूँगी उषा भाटिया जी का। नमस्ते आंटी, आपने बोला है आप सही बोल रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी कैरल कोस्टर जी का। कैरल जी ने लिखा है राधिकाज फादर इज़ रॉन्ग, नेवर फॉल इन द हैंड्स ऑफ द गुंडा बिकॉज दे विल टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन, दिस शोज दैट ऑल दिस इज फेक। एग्जैक्टली, फॉर दिस कंडीशन ओनली आई एम थिंकिंग दैट दिस वीडियो इज फेक, मीन्स समर्स होल वीडियोज आर फेक, नाउ आई थिंक सो। थैंक यू कैरल जी, थैंक यू फॉर मैसेजिंग मी। फिर मैं नाम लूँगी रीमा प्रजापति जी का। रीमा जी नमस्ते, आपने लिखा है राधिका के पापा को अंकित के खिलाफ किडनैप के केस करना चाहिए, पर क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब एक फ़ोन घुमाने से पुलिस आ जा रहा है, एक नहीं दो पुलिस दौड़ के आ जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं जा रहे मुझे समझ में नहीं आता रीमा जी। थैंक यू रीमा जी मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी शाहिद महमूद जी का। शाहिद जी नमस्ते, आपने लिखा है सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू मेरे साथ सहमति दिखाने के लिए, थैंक यू शाहिद जी। फिर मैं नाम लूँगी भट्टा राय जी का। नमस्ते, आपने लिखा है 100% राइट, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी गुंजा बहन का। गुंजा साहनी जी नमस्ते, आपने लिखा है सही बोला आपने, जिसकी बेटी किसी कैद में हो वो तो बेबस होंगे ही। सही है, ख़राब लगता था उनके पापा को देख के कल मुझे। फिर मैं नाम लूँगी हाजरा खान जी का। नमस्ते हाजरा जी, आपने लिखा है राधिका के पापा अंकित के आगे क्यों गिरगिरा रहे हैं, पुलिस के पास क्यों नहीं गए, ये सब ड्रामा है। सही बात है, जब वो पुलिस के पास नहीं जा रहे ना, मुझे क्या, हर किसी को ये ड्रामा लगेगा, क्योंकि जब किसी का कोई किडनैप होता है या कुछ भी ऐसा क्राइम होता है तो इंसान सबसे पहले वो पर्टिकुलर इंसान के पास नहीं दौड़ता है, उसको उसके पास तो कोई सबूत नहीं, वो लिया है कि वो सबूत है कि अंकित ने ही राधिका को किडनैप किया, पर फिर भी कानून किस लिए बने हैं भाई? लोग तो कानून के दरवाजे को खटखटाएगा ना कि समर के घर के दरवाजे को खटखटाएगा या अंकित के दरवाजे को खटखटाएगा। मुझे समझ में नहीं आता इसके पापा क्यों नहीं जा रहे। फिर मैं नाम लूँगी उषा सिन्हा जी का। नमस्ते उषा जी, आप शायद मेरे साथ नई नई जुड़ी हैं, आपने लिखा सही बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच।
फिर मैं नाम लूँगी राजेश कुमार जी का। नमस्ते राजेश जी, आपने लिखा अंकित को जेल भेजो अंकल जी। सही बात है, मगर क्यों नहीं इतना ये सब हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंकित भी शायद जेल जाएगा ही, क्योंकि अंकित अब ये जो जितना ये व्लॉग है समर का, इसका तो सबसे मेन विलन तो मुझे था अंकित ही है। थैंक यू राजेश जी मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी सोमा राम राव जी का। नमस्ते, आपने लिखा है आपकी बात सही है, ये अंकल क्यों डर रहे हैं, पुलिस किस लिए है, लोगों की मदद के लिए है, और पता भी चल गया कोई इंसान किडनैप किया है तो डर किस बात का, अभी कुछ नहीं किया तो और भी कुछ कर नहीं सकते हैं। सही बात है, अभी अगर कुछ नहीं किया तो आगे भी जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं नाम लूँगी दीपाली जी का। दीपाली जी नमस्ते, आपने लिखा है सिस्टर गुनगुन साड़ी में बेकारन लग रही थी। मस्त कहा आपने। राधिका के डैड को पुलिस की मदद लेनी चाहिए था। गुनगुन अंकित समर और समर की माँ, ये चारों नखरे के नाक कटी सेवा गज हाथ बड़ी। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा कहा। मैं तो गुनगुन को पहचान ही नहीं पाई दीपाली जी, मुझे पहले लगा मैं तो हैरान हूँ कि उसको देख रही थी कि क्या पहनी है, हाय हाय साड़ी पहन के आ गई, वो भी जेल से निकलती साड़ी, क्या बात, इतना काया पलट। मुझे तो लगा हमारी चीफ मिनिस्टर को फ़ोन वोन की होगी और बोली होगी प्लीज़ एक दिन के लिए अपनी साड़ी उधार दे दो, मेरे पास तो सब तो अधरंगे कपड़े हैं, कम से कम आपकी साड़ी मेरे तन को ढक ले। थैंक यू दीपाली जी। फिर मैं चंचल माला जी का मैसेज पढ़ना चाहूँगी। नमस्ते चंचल माला जी, आपने लिखा इस कहानी का अंकित खलनायक है। एकदम सही, वही खलनायक है। फिर मैं नाम लूँगी मारीना CH मैरिक जी का। उन्होंने लिखा है किडनैप करने वाला कभी सोशल मीडिया में नहीं डालता है, ऐसे लग रहा है ये सब नाटक है, हकीकत में होगा ना अंकित एक सेकंड में पुलिस के हाथ में जाता था, क्योंकि वो सिटी है। सही बात है, दिल्ली जैसे शहर में किडनैपर खुलेआम घूम रहा है, बोल रहा है मैंने ही तेरी बेटी को किडनैप किया, ले वीडियो देख। तो इसमें भी पुलिस के पास राधिका के पापा जा नहीं रहे हैं, जबकि पूरा सबूत है। लोगों के पास जब सबूत नहीं रहता फिर भी पुलिस के पास जाते हैं, इनके पास सबूत है फिर भी नहीं जा रहे हैं, कमाल है। थैंक यू मारीना जी, थैंक यू फॉर मैसेजिंग मी। फिर मैं नाम लूँगी डॉक्टर उस्मान अली खान जी का। आदाब डॉक्टर साहब, आपने लिखा है मैडम आप सही बोल रही हो, राधिका के पापा पुलिस में क्यों नहीं इन्फॉर्म कर रहे हैं, अंकित के कहने पर महारानी सती सावित्री गुनगुन को जेल से बाहर निकाल दिया, बदले में राधिका के पापा को क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू, एक बाबा जी का टुल्लू। ऐसे नहीं चल सकता, इससे क्रिमिनल अंकित को बढ़ावा दिया जा रहा है। एकदम सही, क्रिमिनल अंकित को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बढ़ावा राधिका के पापा ही दे रहे हैं, बेटा 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 करके, तो अभी तो यही बेटा का अलाप रखते रहेंगे। अभी और एक बेटा तो जेल में है, वो भी आ ही जाएगा, जब बेटी आ गई है तो बेटा भी आ ही जाएगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रेशर समय निकाल के मुझे मैसेज करते हो। फिर मैं नाम लूँगी सिल्विया किंडो जी का। सिल्विया जी नमस्ते, आपने लिखा सिस्टर ये ड्रामा है। हाँ आप सही बोलो, ये ड्रामा ही है। अमृत कौर जी नमस्ते, अमृत जी आपने लिखा है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है राधिका के पापा पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों फोर्थ क्लास के आगे गिरगिरा रहे हैं, मेरे को भी इनके ऊपर बहुत तरस आ रहा है, मेरे पास इनका फ़ोन नंबर होता मैं इनसे पूछ कर पुलिस कंप्लेन कर देती, पर हम भी बेबस हैं, ओनली वी कैन प्रे फॉर राधिका, उस जानवर से राधिका छूट जाए, एक बार पहले भी राधिका को किडनैप कर चुका है। सही बात है, सही बात अमृत जी आपने कहा, मुझे भी उसके पापा को देख के बहुत तरस आया, बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि पापा एकदम बौखलाए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं परसों से, मुझे बहुत ख़राब लगता है उनको देख के, पर क्या करें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। थैंक यू अमृत जी आप मुझे मैसेज की। फिर मैं गुंजा साहनी जी का फिर मैसेज पढ़ना चाहूँगी। गुंजा जी ने कहा अंकित को जेल डालना चाहिए। सही बात है, उसको जेल में जाना चाहिए। फिर मैं वन मून का मैं मैसेज पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है मैडम ये फेक वीडियो है, गुनगुन का चेहरा देखा अंदर जाते वक्त हंस रही थी, नहीं मैंने ख्याल नहीं किया, अब फिर से मुझे वीडियो देखना पड़ेगा तब ख्याल कर पाऊँगी। थैंक यू वन मून जी आपने मुझे मैसेज किया, आपका शायद चैनल का नाम है। फिर मैं नाम लूँगी ईगल प्रोडक्शन 2023 का। हेलो ईगल प्रोडक्शन भी इनका शायद प्रोडक्ट वो है, चैनल का नाम है। इन्होंने लिखा है राधिका के फादर बेवकूफ़ हैं, ये हमको बना रहे हैं, पता नहीं उनके पापा बेवकूफ़ है कि नहीं, मगर हम तो लगता है बेवकूफ़ बन ही रहे हैं। फिर मैं कंचन अरोड़ा जी का मैसेज पढ़ना चाहूँगी। कंचन जी लिखा है बेटा आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ आंटी जी थैंक यू सो मच, आप मुझे अप्रिशिएट किए। राधिका के पापा को डर देख कर रोना आ रहा है, उनको तो चाहिए कि अंकित को जेल भेजो, जब राधिका उनके पास आ जाए
तब नागिन को तो वो जेल से लाए हैं। अंकित तो एक नंबर का गुंडा है, उस सारी उम्र की जेल होनी चाहिए। सही बात है, अंकित किस घर को बिलोंग करता है पहले से ये देखना पड़ेगा। आंटी ये तो सब एक से बढ़कर एक ही हैं। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी चंद्रवती जी देवी का। चंद्रवती देवी जी का मैसेज है, सुरेश के ब्लॉग देख लें, समर ब्लॉग बना रहा है। हाँ मैंने तो समर को देखा है, उस दिन राधिका समर ब्लॉग में भी समर को देखा है, उसके पहले और भी कौन से फुकरे प्राइम्स है उसमें भी मैंने समर को देखा है। सैम भी था, समर भी था, मतलब ये लोग सब मिलके वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने समर को देखा है। मगर मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि वो सब पुराने वीडियोज़ थे, पता नहीं, वो भी देखी इंस्टाग्राम में तो वो भी देख के ही बोल रही थी। थैंक यू चंद्रवती देवी जी, मुझे आप मैसेज किए। फिर मैं नाम लूँगी कृष्णा सुवेदी जी का। कृष्णा जी ने लिखा है, दिल्ली पुलिस के लिए ये वीडियो काफ़ी है, दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं पकड़ाते हैं, देखकर ड्रामा लगता है। सच में देखकर ड्रामा ही लगता है। थैंक यू कृष्णा जी मुझे मैसेज करने के लिए। सरोजा मेनन जी का मैसेज पढ़ना चाहूँगी। सरोजा जी ने लिखा है, मैडम दीज पीपल आर बिहेविंग एंड एक्टिंग लाइक मंकी, मंकी हैज सम सेंस। एग्जैक्टली, मंकीज ऑल्सो हैव सम सेंस, बट दीज पीपल डजंट हैव एनी सेंस एंड वी आर ऑल्सो बिकमिंग सेंसलेस बाय सीइंग देयर वीडियोज। थैंक यू सरोजा जी, आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं रत्ना आंटी का मैसेज पढ़ना चाहूँगी। रत्ना बासु जी नमस्ते, आपने लिखा है, बेटी सचमुच ये ड्रामा है, आज मैं एक वीडियो देखा राधिका के पापा का, उधर पापा जी ठीक से ड्रेस में थे और उसका बेटी और कोई और थी, वो बेटी ने बाप के ऊपर बहुत अत्याचार करती है, अब बोलो कैसे मान लूँ ये वीडियो असली है। सही बात है, जहाँ एक कॉल से पुलिस आ जाता है, लेकिन राधिका को गायब होने से पुलिस का कोई फंक्शन नहीं है। एग्जैक्टली, इतना सारा वीडियो होने के बाद क्या ये हजम होने वाली बात है। इस बात को लेकर तीन तीन बार राधिका को किडनैप किया अंकित। एकदम सही बोला आंटी, मतलब समझ में नहीं आ रहा ये वीडियोज़, ये जो आ रहा है हम देख रहे हैं, ये फेक है कि रियल है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मगर यही हमारे लिए टाइम पास है, तो मैं यही बोलूँगी। थैंक यू आंटी जी, आप मुझे मैसेज करते हो। फिर मैं तरनजीत सिंह का मैसेज पढ़ना चाहूँगी। तरनजीत सिंह जी ने लिखा है, ड्रामा है। सही बात है, ड्रामा है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी रामकरण लोधी जी का। रामकरण लोधी जी ने लिखा है, ये लोग धंधा बनाए हैं, राधिका के चैनल पर समर वीडियो डाल रहा है। हाँ मैंने भी देखा है भैया, मैंने भी देखा है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी यूज़र SP9SM1BW9O, इन्होंने लिखा है, देखे देखे। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी तरनजीत सिंह जी का फिर से, उन्होंने लिखा है, अंकित और लोगों का भी किडनैप करता है। अच्छा हो सकता है, तो लगता है पेशेवर किडनैपर है। फिर मैं नाम लूँगी विमला बहन का। विमला अग्रवाल जी नमस्ते, आपने लिखा है, हर्षा जी समर गुनगुन की फैमिली बहुत ही घटिया गंदी है, समर के पापा जो अच्छे इंसान हैं, मैं तो सारी कोशिशें कर चुकी हैं, अपने पति को भी नहीं समझाती होगी। समर की मम्मी पता नहीं मेरे पति कुछ बोलती भी है कि नहीं बोलती, वो तो खुद ही चौधराइन है, तो वो उनको ज़रूरत क्या है अपने चौधरी साहब को बोलने की, वो खुद ही अपने बालों को लहराते हुए बैठी रहती हैं और सोचती है मैं ही सारे काम कर लूँ, मैं ही अपने बेटे को ठीक कर लूँ, अपनी मुँह बोली बहू को ठीक कर लूँ, मेरे पति को आने की सीन में ज़रूरत ही क्या है। विमला जी थैंक यू सो मच, मुझे आप मैसेज की। फिर मैं नाम लूँगी राज बाला चौधरी। अच्छा इन्होंने तो, मैंने इनका मैसेज पढ़ा है, पूरा टाइम पास है, आपने लिखा था ये एक ड्रामा है, फेक कहानी है, टाइम पास। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी तरनजीत सिंह जी ने फिर मैसेज किया है, गुनगुन फिर जेल जाएगी। अच्छा पता नहीं, देखते हैं। फिर मैं प्रतिभा घाटगे जी का मैसेज पढ़ूंगी। नमस्ते प्रतिभा जी, आपने लिखा है, पुलिस को बताने से कोई अंक काट दूंगा, बोला इसलिए। अच्छा अंकित ने ये चीज़ बोला, धमकाया होगा तब। फिर मैं नाम लूँगी अरुणा जी का। अरुणा सोलंकी जी ने लिखा है, अंकित ने तेरे दिया हुआ है अंकित। अच्छा अंक सब किया धरा है तो अंकित का ही है। थैंक यू अरुणा जी, आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं रामकरण लोधी जी ने फिर लिखा है, फेक स्टोरी है। सही बात, मुझे भी लग रहा फेक स्टोरी ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टोरी का कोई अता पता कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गॉड नोस। तो मैं झटपट देख लेती हूँ, और किसी का मैसेज तो रह नहीं गया है आज। मुझे रेहाना जी ने कोई मैसेज नहीं किया है, और मुझे सुनंदा कोठारी जी ने भी कोई मैसेज नहीं किया है, तो ये दोनों बहनों की मैसेज मेरे पास नहीं है।
और किसी का और मैसेज मेरे पास नहीं है, सारे मैसेज मैंने पढ़ लिए जितने मैसेज मेरे पास थे। हाँ, तारुबेन भट्ट जी का मैसेज मैंने नहीं पढ़ा। तारुबेन भट्ट जी नमस्ते, तारुबेन केम छू बहन, आपने लिखा है सिस्टर ये तो दूसरी ममता ही है, ममता बनर्जी गुनगुन जैसी और गुनगुन ममता जैसी दोनों जुड़वा बहन ही है। थैंक यू तारुबेन। फिर मैं नाम और किसका लूँ, सबका मैंने पढ़ लिया है, सिर्फ तारुबेन रह गई थी बस, और किसी का नहीं है, सबका नाम मैंने पढ़ लिया है। अगर कोई मेरे वीडियो बनाने के बाद अगर मेरे को कमेंट करते हैं तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई आज, पर मैंने जितना मुझे पहले से मैसेज मिला है मैंने सबका नाम पढ़ लिया है, सिर्फ सुनंदा बहन और मेरी रेहाना बहन का मैसेज नहीं था, और सबका मैसेज था। आप लोग को बहुत मिस किया आज, आप मुझे मैसेज करते रहना। तो प्लीज़ आज मैं अपना यही कमेंट बंद करती हूँ, फिर मिलती हूँ नए कमेंट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।